पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं खुद देखता था आप ज्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे, जब भी मौका, यहाँ ज्यादा लोगों को आवाज बंद करवाते थे, इधर से आवाज आता था, जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया इन लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए, वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वहाँ से वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को, उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहाँ पर, और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे हाउस के नेता हैं आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त किए हैं, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उपसभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज़ को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज़ देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है, और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी, अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पर चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जैन जी कह रहे थे, कॉलिक कैसे हो गए भाई, इस चेयर का अपना सम्मान है, आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि जो, क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा, और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा, मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है, और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहां पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।